सबसे पहला जो रिएक्शन आया और जो जिसे जिसकी उम्मीदें की जा रही थी, इकबाल अंसारी ने कहा कि अब कोई रिव्यू पिटीशन नहीं, जो फैसला आ गया है उसे स्वीकार कीजिए। ये दरअसल अयोध्या की सोच है। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद इकबाल अंसारी का बयान आया था कि वो उस फैसले का पूरी तरीके से अपने दिल से स्वागत करते हैं। और अभी नहीं, क्योंकि लगातार हम लोगों की बात होती रहती है इकबाल अंसारी से, इससे पहले भी जब सुनवाई पूरी हो चुकी थी और जब मीडिएशन चल रहा था, तब इकबाल अंसारी हमेशा बोलते थे कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें वो मंजूर होगा। चूंकि उनके पिता हाशिम अंसारी लंबे वक्त तक उन्होंने इस केस को लड़ा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अयोध्या का हर वासी, अयोध्या के का कोई भी व्यक्ति हो, पहले से बोल रहा था कि चूंकि बहुत लंबा यह मामला खींच चुका है। और अगर बात करें पूरे अयोध्या की, तो चूंकि संत समाज बहुत पहले से बोल रहा था कि अब कोर्ट को चाहिए कि इस पूरे मामले में तेजी लाए और यहां पर मंदिर का निर्माण कराए। अगर अयोध्या के लोगों की बात करें, तो चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक धार्मिक भावना तो जुड़ी ही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 70 सालों से यह कानूनी लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई की वजह से कई मुद्दे यहां पर पैदा हुए, कई दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। तो अगर हम अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं चाहता था कि यहां पर राम मंदिर ना बने। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है कुंदन की, अब जो हलचल है, दूसरी तरीके की जो हलचल है वो तेज हो गई है। जो यहाँ के तमाम अखाड़े हैं, हम दिगंबर अखाड़ा की बात करें या फिर जो मणिराम दास छावनी की बात करें, ये वो अखाड़े हैं, ये वो छावनियां हैं जहां पर मंदिर निर्माण को लेकर अक्सर वहां पर मीटिंग्स होती है, वहां पर रणनीति तैयार की जाती है। तो वहां पर अब हलचल तेज हो गई है। जो रणनीति का जिक्र किया आपने अविनाश, तो रणनीति पर एक सवाल हम धीरेन्द्र जी से एक बार फिर से ले लेते हैं। रणनीति तो ये थी धीरेन्द्र जी, जैसे ही फैसला आया जफर आप जिलानी ने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन दो पक्ष सामने आ गए हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, हमें रिव्यू पिटीशन की जरूरत नहीं है। क्या अब लगता है कि रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा जफर आप जिलानी और उनकी संस्था को? जहाँ तक मुझे लग रहा है आशुतोष वो अपने अविनाश जो है उसके लिए कह रहे हैं, जो अखाड़ों की रणनीति है उसके लिए, जो मंदिर निर्माण के लिए। और चूंकि अब आप साफ देखेंगे कि इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद कहने के बाद एक तरह से वो कमजोर पड़ जाता है उनका पक्ष जफर याब जिलानी का, क्योंकि ये कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हम अब रिव्यू पिटीशन नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का जो जजमेंट है उसको सर माथे रखते हुए, जो एक परंपरा हिंदुस्तानी डेमोक्रेटिक सेटअप में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मान लिया, उसको उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। जफर याब जिलानी ने सिर्फ संकेत दिए, हमको लगता नहीं है कि उनको इन सब चीजों से, और ओवैसी के लिए भी बड़ा तकड़ा बयान सुन्नी वक्फ बोर्ड का है कि वो उससे जुड़े हुए नहीं है। तो लिहाजा राजनीति करने वालों से जो दूरी बनाई जा रही है, ये बहुत अच्छा साइन है कुंदन, जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी सम्मान आत्मा से करते हुए। नरेंद्र जी, मतलब अगर रिव्यू पिटीशन जिसका जिक्र जफर अब्दुल्लानी ने किया था फैसला आने के तुरंत बाद, अगर कोई कदम उनकी ओर से ऐसा स्टेप उठाया जाता है, उसका कोई मजबूत आधार या कोई मजबूती बहुत नहीं रह जाती उनके पिटीशन में? देखिए, उनको आधार खोजना पड़ेगा। रिव्यू पिटीशन राइट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके पास ये जुडिशियल एक उसमें रेमेडी है, वो जा सकते हैं। और उसके बाद लेकिन इस तरह के में आपको ये साबित करना होता है कि ये जो सबसे अहम पक्ष है मुकदमे में, ये छूट गया, यानी आपने इस पे चर्चा नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, या ये पक्ष अनदेखा रह गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 500 अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 9 साल बाद इसको लगभग 500 साल हो जाएंगे, 1528 को आज 9 ही तारीख है। हाँ, तो इसलिए एक बड़ा संयोग का है कि इस पूरे मसले में आर्कियोलॉजी, रेवेन्यू, हिस्ट्री और माइथोलॉजी, बिल्कुल तमाम रिकॉर्डों पर सब कुछ देखा गया। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई उसमें जान होगी, तो कोई आधार बताना पड़ेगा। रिव्यू पिटीशन के लिए आधार भी होता है, एक्सेप्ट तब करती है, बिल्कुल कोर्ट भी एक्सेप्ट तब करेगी। और दूसरा मसला ये भी है कि जो आंकड़े बताते हैं, जो जानकार बताते हैं कि भाई ऐसे रिव्यू पिटीशन में जब फैसला 5-0 से हुआ हो, 5 जजों ने फैसला दिया हो, वैसे में रिव्यू पिटीशन के एक्सेप्ट करने की बात भी जो है वो 0.0001% रह जाती है, तो ऐसे में कोई उम्मीद भी नहीं बचती है। हमारे साथ अनिल यादव भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अनिल, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां की कैसी तस्वीरें, क्योंकि अयोध्या पर दिनभर चर्चा हो रही है, वहां की तस्वीर भी लाजमी है। बिल्कुल, इस वक्त हम हर की पैड़ी के पास है और यहीं से रास्ता जो सीधे है राम जन्मभूमि की ओर जाता है, हनुमानगढ़ी की ओर जाता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग सुबह से ही लगी हुई है, पहले तो हालांकि फोर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब
फैसला आने के बाद थोड़ा सा माहौल हल्का हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि समय बीत रहा है तो अब उतनी सख्ती भी नहीं दिख रही। हालांकि गाड़ियों का आना जाना बंद पड़ा हुआ है और बहुत चेकिंग के बाद और जो स्थानीय निवासी उनका आधार कार्ड देखने के बाद ही उन्हें एंट्री मिल रही है। तो माहौल में जो एक तनाव था सुबह जब लोग इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, कैसे आएगा, क्या कुछ होगा, क्या शक्ल सूरत होगी, वो तनाव अब थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ की फिजाओं में जो है थोड़ा सा रिलैक्स दिखाई दे रहा है। दिन में दुकानें बहुत ज़्यादा बंद थी, लोगों की भीड़ बहुत कम थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया है। वो ऐसे श्रद्धालु हैं जो रात में यहाँ पर स्टे करेंगे, तमाम धर्मशालाओं में रुकेंगे और उसके बाद सुबह सरयू में स्नान करने के बाद वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो अब भीड़ बढ़ रही है, हालांकि आज पूरा दिन बहुत सन्नाटे में ही गया है। जैसे कि उम्मीद थी कि अयोध्या में कुछ भी गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अयोध्या के नाम पर भले गुजरात में या महाराष्ट्र में बड़े बड़े महानगरों में कुछ चीज़ें होती रही हो, लेकिन अयोध्या में कभी भी ऐसा कुछ घटना नहीं घटी। तो ऐसे अयोध्या में भी शांतिपूर्ण आज पूरा दिन गुजरा है।